दोस्तों, आज एक वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो स्पेशली कंपैरिजन है दो साउंड मिक्सर का। अब साउंड मिक्सर भी इसे कह सकते हो, साउंड कार्ड भी कह सकते हो। वो दोनों, जैसे मुझे काफ़ी कमेंट्स आए कि ये दोनों में से कौन सा बेटर है, तो क्यों ना साथ मिलके ही जज कर ले कि क्या लेना चाहिए या क्या नहीं लेना चाहिए। तो पहला जो साउंड मिक्सर है वो बड़ा फेमस है, केजो V8+ केजो कंपनी का है। ये वेरी नोन और रिजनेबल 1200-1300 रुपये के करीब में इसकी प्राइस रेंज चलती है अमेज़ॉन पे। और जो दूसरा, जो अभी लास्ट साल या 8 महीने के करीब से ये आया है, वो है अल्ट्रा प्रो लिंक का UM100 Pro। इसका मॉडल नंबर है। ये भी अच्छा मिक्सर है। दोनों की साउंड क्वालिटी कैसी है, इसके जो जिस तरह की सिस्टम दी गई है वो कैसी है, उसके बारे में अपने आगे इसको प्ले करके देखते हैं कि। अभी मैं पूरी चीज़ पैर कर चुका हूँ। जैसे ये जो डिवाइस है, इसमें आप देख सकते हो मैंने माइक इनपुट कर दिया है और ईयरफोन में मैंने ये ऑक्स का इनपुट दे दिया है और ये स्विच ऑन कर दी है। मैं थोड़ा सा इसकी आवाज़ आपको बता देता हूँ कैसी है। हेलो हेलो, ये इसका वॉल्यूम, आपको आवाज़ आ रही होगी। हेलो 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 हेलो, इको भी आप देख सकते हो, अच्छा खासा है। हेलो, अभी जैसे आवाज़ में आपको फ्रीक्वेंसी हाई करनी है। हेलो हेलो, तो थोड़ी सी स्वीटनेस है, ये बेस है, तो बेस बढ़ाते ही बेस भी फुल हो जाता है। हेलो 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 हेलो, ये इसका म्यूजिक का वॉल्यूम है जो मोबाइल इनपुट करते हैं उसका, और ये मेन वॉल्यूम होता है। हेलो, ये दोनों का मेन वॉल्यूम है और ये माइक का सेपरेट है। जैसे थोड़ी सी और थोड़ा सा कुछ गा के आइडिया ले लेते हैं, थोड़ा सा कुछ गा के देख लेते हैं। आवाज़ ठीक लग रही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये प्राइस रेंज के हिसाब से अगर देखें तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये प्राइस में। और इसमें मैंने ये देखा है कि कोई भी, जैसे मैंने माइक इनपुट किया तो आवाज़ मुझे एकदम फ्रीक्वेंसी सेम लगी, तो वो भी एक चीज़ है। काफ़ी बार क्या होता, कोई डिवाइस ऐसे होते कि कुछ माइक की आवाज़ का इनपुट अच्छा नहीं रहता, किसी का अच्छा रहता है, इसमें ये चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। यानी कोई भी माइक आप आराम से चला सकते हो। ये माइक का मैंने इनपुट दिया है और इसकी आवाज़ आप सुन सकते हो। अभी इसमें जैसे सबसे पहले इसका जो वॉल्यूम है, माइक का वॉल्यूम, वो बढ़ाते हैं। वॉल्यूम काफ़ी इसमें अच्छा खासा दिया गया है। मैं ये डिवाइस पैर कर चुका हूँ, जैसे आप देख सकते हो। ये मैंने इसका जो इनपुट है हेडफोन से यहाँ पे लिया है, ये यहाँ पे इसका ऑक्स है, और ये इस पे छोटी पिन रहती है, तो वो इसका ही जो छोटी पतली पिन, सॉरी, तो चेक टाइप की पिन रहती है, वो इसको मैंने इनपुट ये माइक में दे दिया है। लेकिन इसमें एक ही चीज़ है, ये है इसका ही माइक इसके साथ प्रॉपर चल रहा है, दूसरा माइक मैंने ट्राई किया तो इतना, या फिर चल ही नहीं रहा, या आवाज़ बहुत कम आ रही है। इसमें अपने देखते हैं कैसी आवाज़ है। देखिए ये आवाज़, हेलो 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 हेलो, ये बिना इसकी आवाज़ है इको की। और ये इको बढ़ाते हैं, इसका वॉइस का थ्रो बहुत अच्छा है। देखिए हेलो हेलो हेलो, ये इसका ट्रिपल हाई फ्रीक्वेंसी है, देखिए कितनी ज़्यादा है। हेलो 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 हेलो, ये इसका बेस है, बेस, हेलो आवाज़ में बेस आ रही है। हेलो, फिर इसका ये ट्रिबल हो गया, हेलो आवाज़ में स्वीटनेस के लिए, हेलो 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 हेलो। इसका ये इको भी आप सुन पा रहे हो कैसा है, कुछ थोड़ा सा, कुछ भी हल्का सा गुनगुनाता। विसल का इश्यू है क्योंकि ये इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी पावरफुल है। आप देख सकते हो कि दोनों में जो मेन, जो एज अ कैरियो के सिंगर, काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं।
और दोनों में कुछ अच्छी बुरी बातें हैं, वो आपको और हमें मिलकर जज करना है, क्योंकि प्राइस भी फैक्टर होता है, काफ़ी चीज़ें लोग देख के लेते हैं, मॉडल भी, दोनों का कंपैरिजन आपको दे दिया है। थैंक यू वेरी मच।